ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। लहसुन का खेत है उसमें हम मौजूद हैं, यहाँ पर इन लोगों ने मकामी तौर पर अपने खाने के लिए जो है वो लहसुन तैयार किया हुआ है, और हांडी में सालन में जब तक लहसुन का इस्तेमाल ना किया जाए सालन का मज़ा ही दोबारा नहीं होता। और ये बहुत सारी इंसान के अंदर जो बीमारियां होती हैं लहसुन खाने से वो सारा मटेरियल जो है वो ठीक हो जाता है, बंदा एकदम फिट रहता है। तो ये काश्त किया हुआ है राय हफीज साहब ने। राय साहब कितना काश्त किया ये आपने? तीन चार मरले है ये आपने घर के लिए रखा हुआ है? घर को इस्तेमाल करना है। अच्छा उन्होंने देखा। अच्छा तो हमें आप सज्जनों में समझते हैं या दुश्मनों में समझते हैं? तुसी इंशाल्लाह साडे भरा ने। चलें ठीक हो गया जी, फिर हम इंशाल्लाह आपके लहसुन का भी इंतजार करें जब ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए जी। तो नाज़रीन आपको हम और भी दिखाते हैं, ये धनिया इन्होंने काश्त किया हुआ है, तो बड़ी खूबसूरत जो है ये सौगात है धनिया की भी। और जब तक सालन में धनिया का इस्तेमाल हो, क्या बात है जनाब, सुकून आ गया। देसी धनिया जनाब, ज़बरदस्त किस्म का धनिया जनाब, एकदम फर्स्ट क्लास जो है वो धनिया जो है। तो ये लें बेटे धनिया लें आप, ठीक है जी। तो बहुत खूबसूरत इन्होंने अपने घर के लिए जो है वो वेजिटेबल्स जो हैं वो काश्त कर रखी हैं। तो अल्लाह ताला इनके तिजारत में, इनकी काश्तकारी में बरकतें अता फरमाए जी। हम दुआगो हैं जी इनके लिए, बहुत शुक्रिया जी।